हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आर्किटेक में। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो होने वाली है एक एक्शन कैमरे के ऊपर। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा इस कैमरे के फीचर्स, इस कैमरे की क्लैरिटी के बारे में, क्या क्या अटैचमेंट हमें इसके साथ मिलते हैं, वो सब चीज़ आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक एक्शन कैमरा की, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, और हमारे हाथ में है ये 1080p अल्ट्रा एचडी वाला एक्शन कैमरा। चाइनीज़ कैमरा है, मोशन डिटेक्शंस इसमें दिए हुए हैं। दोस्तों बॉक्स के बैक की अगर बात करें, इसमें आपको मिलता है 1080p का वाटर प्रूफ फंक्शन, वीडियो 1920x1080 पिक्सल्स 15fps पर, वाइड एंगल 170 डिग्री का है, वाटर प्रूफ अप टू 30 मीटर तक आप इसे वाटर में रख सकते हैं, 2 इंच के LCD डिस्प्ले आपको इसमें मिलती है और मल्टी लैंग्वेज का फंक्शन मिलता है। स्टोरेज इसमें माइक्रो SD आप कार्ड लगा सकते हैं, और बैटरी बैकअप जो मिलेगा आपको 1.5 आवर्स का मिलेगा 900mAh बैटरी के साथ। यहाँ देख सकते हैं आपके कुछ लोगोज और कुछ ब्रांडिंग्स दी गई हैं। इन कलर्स में आपको ये अवेलेबल मिलता है, 30 मीटर वाटर प्रूफिंग का यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा होगा, तो 30 मीटर तक आप इसे पानी में लेकर के जा सकते हैं केस लगाने के बाद। चलिए दोस्तों ओपन करके देखते हैं बॉक्स में आपको क्या मिलता है। दोस्तों बॉक्स के अंदर से हमें मिला है एक मेन कैमरा। बात करते हैं इसकी एक्सेसरीज की। एक्सेसरीज में हमें मिली है एक इसकी डेटा केबल जो इसके डेटा ट्रांसफ़र और चार्जिंग के काम आने वाली है। मिलता है एक यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल में आपको सारे अटैचमेंट्स इसमें एक बार दिखाए गए हैं, किस अटैचमेंट को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यूज़र मैनुअल के अंदर अगर हम जाते हैं तो इसमें अटैचमेंट को अटैच करके दिखाया गया है किस तरह से आप इस अटैचमेंट्स को अटैच कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, जिस तरह से हमें यूज़ करना है वो सारा कुछ इसके यूज़र मैनुअल में दिया गया है। यूज़र मैनुअल को रख देते हैं साइड में। बात करते हैं दूसरे अटैचमेंट्स की। दोस्तों ये अटैचमेंट आपको मिल रहा है कि आप इसको जो ट्राइपॉड होता है आपका, उसमें कैमरे को इसमें लगा के उस पर होल्ड कर सकते हैं और अपनी वीडियो शूट कर सकते हैं। पहले सारे अटैचमेंट्स को मैं बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूं और बॉक्स को रख देता हूं साइड में। ये सारे अटैचमेंट आपको मिलते हैं दोस्तों, ये सारे अटैचमेंट्स आपको इसके साथ में मिलने वाले हैं, जो कि सभी अटैचमेंट्स अपना अलग अलग वर्क करते हैं, इनका अलग अलग यूज है सबका अपना। दो स्ट्रिप भी आपको साथ में मिलती हैं और साथ में मिलता है आपको ये रबड़, ताकि अगर इसे आप किसी हैंडल पर माउंट करते हैं तो आपको स्क्रैच ना आए, उसके नीचे लगाने के लिए रबड़ मिलती है। ये दोनों अटैचमेंट जो हैं आपके, ये हैंडल माउंट के हैं, ये कैमरे को अटैच करने के लिए हैं, और ये एक स्ट्रिप ग्रिप मिलती है कि आप इसे हेलमेट पर माउंट कर सकते हैं इसकी मदद से। तो दोस्तों अटैचमेंट्स की बात तो हो गई, बात कर लेते हैं अब मेन कैमरा की। चलिए कैमरे को ओपन करके देखते हैं कैमरे की क्वालिटी किस तरह की है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कैमरे को ओपन करने से पहले आप देख लीजिए कि बॉक्स को ओपन किस तरह से किया जाता है, क्योंकि अगर आप बिना सीखे इसे ओपन करेंगे तो इसका टूटने का खतरा बना रहता है। तो दोस्तों ये जो स्विच आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस स्विच को हमें प्रेस करना है इधर की साइड, ये लो यहाँ पे निशान दिया हुआ है, तो इस स्विच को हमें प्रेस करना है इधर की साइड। स्विच को इधर प्रेस करेंगे और तभी से यहाँ से अप करेंगे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, स्विच को इधर प्रेस किया और इसे हल्का सा ऊपर उठा दिया हमने, तो इस तरह से आप अपने बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। बॉक्स ओपन कर लेंगे, बॉक्स ओपन करने के बाद जो कैमरा है मेन कैमरा हमारा आ जाएगा बाहर। दोस्तों पूरी लुक मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैमरे की। इस तरह का ये कैमरा है, HD 1000 पीस के फ्रंट पे लिखा हुआ है, और ये आपको LCD मिलती है इसमें पीछे, 2 इंच LCD मिल रही है आपको इसमें पीछे। नीचे बैटरी का सिस्टम है दोस्तों यहाँ पे, और इसे अगर ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है एक ओके प्रेसिंग का। ठीक है, यहाँ आपको पावर ऑन ऑफ और मोड का बटन मिलता है फ्रंट पे। साइड में आप देख सकते हैं आपको अप एंड डाउन के कीज़ मिलते हैं, ये अप एंड डाउन वॉल्यूम के की नहीं है दोस्तों, बल्कि जब हम फंक्शंस को एडजस्ट करते हैं उसको अप एंड डाउन करने के लिए ये की दी गई है इसमें। इन दोनों की मदद से आप जो अप एंड डाउन करेंगे फंक्शन को तो वर्क करेगा। और साथ में हमें मिलती है 2 इंच की डिस्प्ले LCD। दोस्तों इसमें जो एक्सटर्नल माइक का ऑप्शन है वो कहीं भी नहीं दिया गया है हमें, केवल इसमें इंटरनल माइक दिया हुआ है हमारे लिए, जो कि आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे इंटरनल माइक दिया हुआ है। चलिए दोस्तों कैमरे को ओपन करके देख लेते हैं। बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो कैमरा ऑन हो जाएगा। दोस्तों कैमरे को कर लिया है हमने ऑन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ ग्रीन लाइट हमें देखने को मिल जाती है ऑन होने के बाद। लेकिन दोस्तों कैमरे की क्लैरिटी जो है कुछ एवरेज है, एवरेज भी नहीं कहेंगे, बहुत लो क्वालिटी का कैमरा है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही लो बजट कैमरा है दोस्तों। कि जो शूटिंग है वो वीडियो क्लिप में आपको वीडियो में अटैच करके दिखा दूंगा कि क्लैरिटी और ऑडियो क्वालिटी किस तरह की है। अभी जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं ये इस एक्शन कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग है। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, क्वालिटी
लो क्वालिटी का कैमरा है, काफ़ी लो क्वालिटी का कैमरा है दोस्तों, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। तो अगर आप फिर भी इसे परचेज करना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके इस कैमरे को परचेज कर सकते हैं। ये देखिएगा जो क्वालिटी अभी आप देख रहे हैं और जो ऑडियो आप अभी सुन रहे हैं, ये इसी कैमरे की रिकॉर्डिंग है, ये इसका इंटरनल माइक की रिकॉर्डिंग है, क्योंकि एक्सटर्नल माइक का इसमें कहीं भी सिस्टम नहीं दिया गया है। इस तरह की क्वालिटी आपको कुछ देखने को मिलती है दोस्तों इसकी। तो चलिए चलते हैं अपने ओरिजिनल कैमरे और वीडियो की तरफ। दोस्तों जैसा कि हमें बताया गया है कि कैमरा वाटरप्रूफ है, और हम लाइव दिखाएंगे आपको इसकी वाटरप्रूफिंग टेस्ट करके। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने कर लिया है पानी का अरेंजमेंट, और अब हम करने वाले हैं इस कैमरे का वाटरप्रूफिंग टेस्ट। दोस्तों कैमरे को ऐसे ही नहीं डाल देना है आपको पानी में, कैमरा वाटरप्रूफ हो जाता है इस केस में डालने के बाद। सबसे पहले मैं इस कैमरे को इस केस में रख देता हूँ और इसे कर देते हैं हम क्लोज। अब ये कैमरा रेडी है वाटरप्रूफिंग टेस्टिंग के लिए। तो चलिए दोस्तों इसे पानी में डाल के देखते हैं कितना वाटरप्रूफ है ये कैमरा। ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैंने पूरी तरीके से इसे पानी में अंदर डाल दिया है। अब से 30 सेकंड बाद हम लोग इसे बाहर निकालने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों 30 सेकंड का टाइम हो गया है पूरा, और वक्त हो गया है इस कैमरे को पानी से बाहर निकालने का। कवर है पूरा पानी से भीगा हुआ है, लेकिन टेस्ट ये करना है कि कवर के अंदर पानी जाता है या नहीं जाता है। तो दोस्तों मैंने कैमरे को कर लिया है बाहर से बिल्कुल साफ़, और पानी अब इसके ऊपर नहीं लगा हुआ है। चलिए दोस्तों ओपन करके देखते हैं कि पानी अंदर तो नहीं गया इसके। ओपन करने के लिए हमें स्विच को इधर प्रेस करना है और थोड़ा सा अप प्रेस करना है। तो धीरे से आप इस कवर को ओपन कर सकते हैं और अपने कैमरे को बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ग्रीन लाइट अभी भी जली हुई है, यानी कैमरा हमारा अभी भी ऑन है और प्रॉप। तो दोस्तों ये था इसका वाटरप्रूफ का वाटरप्रूफिंग डेमो, और ये पूरा वाटरप्रूफ है केस। केस के अंदर कैमरा को रखने से पानी अंदर नहीं जाता है, लेकिन उसकी कुछ रेंज है दोस्तों, केवल 30 मीटर गहराई तक ही आप जो है इसे कैमरे को कवर में यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी क्वालिटी की, तो जो क्वालिटी है वीडियो की क्वालिटी है वो बिल्कुल लो क्वालिटी का कैमरा है दोस्तों। ये आपके किसी प्रोफेशनल में अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं कैमरे को, तो बिल्कुल भी मत परचेज़ करना, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी का कैमरा है दोस्तों। हाँ एक बात ज़रूर है कि ये आपके बच्चों के खेलने के ज़रूर काम आ सकता है कैमरा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ,